स्माइल मुस्कुराहट, इसे कहते हैं चिंपैंजी स्माइल। आज हम पीबी के रूल नंबर 1 कर रहे हैं, टोटल पीबी के 89 रूल्स पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप प्यार के स्किल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। क्या तुमने कभी चिंपैंजी को हंसते हुए देखा है? वो अपने ऊपर के होंठ उठाकर पूरे दांत निकालकर अच्छी तरह हंसता है, मतलब लगता ही नहीं हंस रहा है या चिढ़ा रहा है। यह जानवर की अदा होती है मादा को आकर्षित करने का। चिंपैंजी को जब मादा चिंपैंजी चाहिए होता है तो वो उसे मुस्कुराकर दिखाता है। ये इंसानों में भी है, स्माइल को आकर्षण में गिना जाता है। अगर कोई लड़की आपको देखकर मुस्कुरा रही हो तो आप उसका क्या मतलब निकालोगे? आप थप्पड़ थोड़ी ना मारोगे, है ना? आप उससे पैसे निकालकर थोड़ी ना दोगे। स्माइल का मतलब है आओ मुझसे प्यार करो। आप समझ जाओगे, आपको लगता होगा लड़कियों की स्माइल लड़कों पर बहुत जबरदस्त असर करती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये पता नहीं लड़कों की स्माइल भी लड़कियों पर जबरदस्त असर करती है। मेरे जीवन में मेरे व्यक्तिगत घटनाएं बताओ तो मुझे लगभग सारी लड़कियों ने कहा है मेरी स्माइल बड़ी जबरदस्त है। अब आपको लग रहा होगा आर्यन देव यानी मेरा स्माइल बड़ा जबरदस्त होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की को आप पसंद आनी चाहिए। अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो आपसे प्यार करती होगी वो आपसे क्या कहेगी? आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। वो उसका नजरिया होता है। मुस्कुराने से कोई परहेज नहीं करना है। अगर आप किसी लड़की को देखते हो तो स्माइल दो। आपने देखा होगा ना, कई बार आप किसी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हो तो वो चिढ़ जाती है, वो लड़ने आ जाती है, तू मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? हालांकि हम दोस्तों के साथ भी मुस्कुराते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई लड़की आपकी फ्रेंड है उसके सामने मुस्कुराते हो तो उसमें कोई मसला नहीं है, फिर भी फीलिंग हो तो आपकी स्माइल बदल जाती है। स्माइल कंफर्टेबल पैदा करती है। आप देखेंगे ना, आपसे कोई मुस्कुराकर बात करता है तो आप कितना अच्छा महसूस करते हो। इधर पुलिस वाला आपको रोक ले, आप एकदम से घबरा जाओगे, अरे यार क्या पूछ रहा है, पैसे वैसे मांगेगा क्या? लेकिन अगर वो आगे से मुस्कुराने लगे तो आप हल्का महसूस करने लगोगे। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए मुस्कुराहट को पहला दौर माना जाता है। ये आकर्षण के लिहाज से तो लाजमी है, कंपलसरी है। अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपके पास मुस्कुराता चेहरा नहीं है तो आप गए काम से। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो हम हिस्ट्री पढ़ाते थे। हिस्ट्री खासा बोर सब्जेक्ट होता है और उनके चेहरे पे हमेशा मातम छाया रहता था। थे वो 25-26 साल का लड़का, बड़े हैंडसम थे, बड़े अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छी पर्सनैलिटी थी, पढ़ाते भी अच्छा थे, पर वो मुस्कुराते नहीं थे। पढ़ाते वढ़ाते रहते थे, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। पता नहीं एक दिन वो किस बात पे मुस्कुराया। आप यकीन कीजिए, क्लास की 22-23 लड़कियां थी, सबने क्या कहा, हाय सर आप मुस्कुराते भी हो? हम तो हमेशा यही बात करते थे, सर कभी मुस्कुराते भी होंगे, सर मुस्कुराते कैसे लगते होंगे। अब मेरी तो जान जल रही थी ना, लेकिन सीखने को मिल गया कि आपकी मुस्कुराहट की कीमत है जब आप कम मुस्कुराते हो। हम तो 24 घंटे मुस्कुराते थे, हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं था। हिप्नोटिज्म में भी मुस्कुराहट का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देखेंगे जादूगर जो होता है ना, जादूगर कंटिन्यू मुस्कुराता है ना, अपना हाथ घुमाते रहते हैं और हंसते रहते हैं। यहां से एक ताकत को पकड़ो, जब आप अच्छे से मुस्कुराते हो तो सामने वाले का दिमाग बंद हो जाता है, सामने वाले का डिसीजन मेकिंग कम हो जाता है, सामने वाला आपको धुतकार नहीं सकता, उसे आपको स्वीकारना होगा। आपको पता है ज्यादातर लड़के लड़की को प्रपोज करने जाते हैं तो उनके चेहरे पर मातम छाया रहता है, ऐसा लगता है अभी अभी किसी मरे हुए आदमी की खबर सुन के आया हो, ऐसी शक्ल होती है। और लड़की के पास जाकर कहते हैं, हेलो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे मुस्कुराकर कहो, अच्छी बात कर रहे हो, प्यार की बात कर रहे हो, हंसो थोड़ा, अच्छी खबर सुना रहे हो। जब तुम लड़की के सामने मुस्कुराकर बात करते हो तो लड़की के ना कहने के चांसेस 70% तक कम हो जाते हैं। वो हाँ कहने की स्थिति में ज्यादा होती है, लेकिन मरी हुई शक्ल लेकर जाओगे, पत्थर जैसी शक्ल लेकर जाओगे तो हाँ कहने वाली लड़की ना करके भाग जाएगी। मुस्कुराहट बड़ी ताकतवर चीज है। देखो लड़की को सीरियस चेहरा पसंद होता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि आप 24 घंटे सीरियस चेहरा बनाकर रखो। वो चाहती है तुम बीच बीच में मुस्कुराते भी रहो, बस ये बहुत ज्यादा नहीं करना है। लोगों को आपकी स्माइल का इंतजार होना चाहिए, बीच बीच में मुस्कुराते रहो, आपको बस ये तालमेल पकड़ना आना चाहिए। ये आसान नहीं है, आपको अच्छा सा सीरियस चेहरा बनाकर रखना होगा। चिंपैंजी स्माइल, लगातार मुस्कुराए, बात करते वक्त भी, सुनते वक्त भी, कुछ करते वक्त भी, लड़की के साथ जब आप बात कर रहे हो तो मुस्कुराते रहे। स्माइल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ प्लेयर। एक शिकारी का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार होता है उसकी मुस्कुराहट। ये सिग्नल 100% रिजल्ट देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जरा समझदारी से करना चाहिए।